नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में वर्तमान समय में शराब की ठेकों की, शराब की दुकानों की नीलामी हो रही है। इस बार सरकार ने शराब की ठेकों की नीलामी का पैटर्न थोड़ा चेंज किया। पहले क्या था, लॉटरी सिस्टम था, जिससे कि जिनकी लॉटरी निकलती उन्हीं को शराब का ठेका मिलता था। इस बार सरकार ने पैटर्न को चेंज कर दिया। इस बार नीलामी, अब बोली लगाई जा रही है कि जितनी ज़्यादा जो बोली लगाएगा, मूल्य लगाएगा शराब के ठेके का, जितना ज़्यादा मूल्य लगाएगा उसी को दुकान मिलेगी। वर्तमान समय में एक सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा एक टॉपिक है, 5 अरब 10 करोड़ रुपए की शराब की एक दुकान की नीलामी हुई है, बोली लगी है। अब आगे पूरा वाक्या क्या है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हनुमानगढ़ ज़िले के एक छोटे से गाँव कुरिया गाँव है, वहाँ एक शराब की दुकान की नीलामी लगी है 5 अरब 10 करोड़ रुपए। वर्तमान समय में ट्रेंड में चल रहा यह टॉपिक है कि 510 करोड़ रुपए में शराब की दुकान की नीलामी हुई है। जी हाँ, प्रदेश भर में शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया चली हुई है। हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के खुरिया गांव में एक शराब की दुकान की बोली लगी है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार की दो महिलाओं के बीच राजनीतिक या पारिवारिक प्रतिद्वंदता को लेकर ये बोली इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। वहाँ के आबकारी अधिकारी चिमलाल मीणा ने बताया कि पिछले साल यह दुकान 65 लाख रुपए में ली गई थी, लेकिन इस बार इनकी प्राइस सरकार ने 72 लाख रुपए तय की थी। लेकिन एक ही परिवार की दो महिलाओं के बीच प्रतिद्वंदता को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा के सवाल को लेकर ये बोली आगे से आगे बढ़ती गई और 510 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार शराब के ठेकों की नीलामी की जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया गया था। इस बार बोली लगाई जा रही है, जो ज़्यादा जितनी बोली लगाया, जो ज़्यादा जितनी मूल्य लगाएगा शराब के ठेके का, उसी को वो ठेका मिल पाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है हनुमानगढ़ ज़िले की नोहर तहसील के खुरिया गांव का ये शराब का ठेका, जो 510 करोड़ रुपये में जिस ठेके की बोली लगी है, एक ही परिवार की दो महिलाओं के बीच राजनीतिक और अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को लेकर ये शराब के ठेके का मूल्य बढ़ता गया, क्योंकि इसका जो प्राइस सरकार ने तय किया था वो 72 लाख रुपए तय किया था, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर या पारिवारिक प्रतिद्वंदता को, प्रतिष्ठा को लेकर ये मूल्य 510 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब रोचक बात तो ये है कि अगर ये व्यक्ति जिन्होंने ये शराब का ठेका अपने पास उठाया है, किरण कंवर नाम से एक महिला है जिन्होंने 510 करोड़ रुपये में ये ठेके का फॉर्म अपना उठाया है, तो अगर वो महिला इसकी 2% धरोहर राशि भी जमा करवाएगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में राशि होगी। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो जिन्होंने ये बोली लगाई है उन्होंने ये सोच के बोली लगाई है कि हम बोली लगाते जाएं इस शराब के ठेके की, और अगर जब उनकी हम जो राशि होगी वो जमा नहीं कराएंगे तो अपनी जो धरोहर राशि जमा करवाते हैं वो धरोहर राशि वापस नहीं दी जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये टॉपिक, 510 करोड़ रुपये में शराब के ठेके की नीलामी हुई है। हनुमानगढ़ ज़िले के नोहर तहसील के खुरिया गांव की एक शराब के ठेके की नीलामी 510 करोड़ रुपए में हुई है। एक ही परिवार की दो महिलाओं के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर, राजनीतिक प्रतिष्ठा के सवाल को लेकर, आबकारी अधिकारी चिमनलाल मीणा ने बताया कि 510 करोड़ रुपए की जिन्होंने बोली लगाई है उनको नोटिस भेज दिया गया है। 2% राशि जमा करवाने का प्रावधान होता है, वो जल्द ही अगर 2% राशि जमा नहीं करवाएंगे तो उनके द्वारा लगाई गई बोली और उनके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा और यह शराब के ठेके की बोली दोबारा लगाई जाएगी। आगे क्या होता है देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। 510 करोड़ रुपए के शराब के ठेके 510 करोड़ रुपए में बिकता है या दोबारा बोली लगती है, जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे न्यू आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।